हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई दो थ्योरम्स जिनका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑन मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टूडेंट, इन दोनों थ्योरम से क्योंकि हमारी आने वाली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2 वो होने वाली है, इसलिए सबसे पहले इन थ्योरम्स को देखेंगे, हम पूरा प्रूफ करके देखेंगे कि क्या ये थ्योरम कहना चाह रही है और क्या इसके इंप्लीमेंटेशन होने वाले हैं कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। जैसा नाम है वैसा ही उसका स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्टूडेंट, हम एक अच्छा सा एक डायग्राम बनाएंगे यहां पे। दिस इज योर अ ट्राइंगल पी क्यू आर। बोल रहा है कि दो मिड पॉइंट्स हैं दो साइड्स के, हमने बोला लेट इट से ए एंड बी। तो लिख लेते गिवन, जैसा जैसा होता जाएगा वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, कौन कौन सी साइड स्टूडेंट, ऑफ साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट है। नाउ आगे देखिए क्या बोल रहा है। एंड जो ये मिड पॉइंट्स हैं, इससे अगर आपने लाइन सेगमेंट बनाई, स्टूडेंट लाइन सेगमेंट का मतलब अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों मिड पॉइंट्स को, तब आपको बताना है कि देन वो जो लाइन सेगमेंट होगी इस मतलब है क्या है, आपको ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी बच गई, क्यू आर। तो आपको फर्स्ट तो ये प्रूफ करना है कि ए बी क्या है, इज पैरेलल टू क्यू आर। एनसीईआरटी की बुक में तो यही था लिखा हुआ स्टेटमेंट, पर उसके बाद मैंने एक और चीज ऐड की, एंड हाफ ऑफ इट, मतलब इस थर्ड साइड की क्या होती है, ये लाइन सेगमेंट हाफ भी होती है। तो सेकेंड पार्ट आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी इज हाफ ऑफ क्यू आर। तो स्टूडेंट इतना सब चीज हमको इसमें करना है। तो दो मिड पॉइंट आपको दे रखे। अब स्टूडेंट देखिए, मिड पॉइंट है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, मिड पॉइंट ने इतना दिया। आपको प्रूफ ये चीज करने की, ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है। तो हम इसमें करते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं देखिए, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस ए बी टू सी। ए बी को कहां तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, सी तक, सच दैट, किस प्रकार से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रकार से सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। बिल्कुल, हमने क्या बोला, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाओ कि ए बी और बी सी क्या हो जाए, इक्वल। लीजिए बिल्कुल इक्वल हो गए। अब क्या करना, नाउ एंड द लास्ट जॉइन सी आर, सी आर को क्या कर दो, ज्वाइन भी कर दो, बोला सी आर को ज्वाइन कर दीजिए। लीजिए स्टूडेंट, ये आपका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने क्या किया, ए बी को इस प्रकार से आगे बढ़ाया कि ए बी और बी सी क्या हो जाए, इक्वल, और सी से आर को ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट अब हमको क्या दिखाना है, हमको ये करना है कि ए बी और क्यू आर को क्या दिखाना है, हमको पैरेलल दिखाना है। तो स्टूडेंट मैं आपको लास्ट तक लेके जा रहा हूं पहले, कि पैरेलल कैसे दिखा सकते हैं, ए सी आर क्यू को अगर मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं, देखिए वापस से, ए सी आर क्यू को अगर मैं पैरेललोग्राम दिखा दूं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे, तो हमको इसको पैरेललोग्राम दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखिए, मैंने ये ट्राइंगल लिया, दिस वन डॉटेड आपको दिख रहा है पी ए बी, एंड ये वाला, इन दो ट्राइंगल जो इसमें मैंने शेड किया हुआ। तो कौन से ट्राइंगल ले रहे, इन ट्राइंगल पी ए बी एंड ट्राइंगल बी आर सी, ये दोनों ट्राइंगल। स्टूडेंट इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले पी बी इज इक्वल टू, पी बी इज इक्वल टू बी आर, बिकॉज बी इज अ मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है ऑफ पी आर का मिड पॉइंट है, गिवन था। नेक्स्ट स्टूडेंट पी ए है इन इक्वल, चलो ये वाली साइड देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी,
ए बी इज इक्वल टू बी सी। स्टूडेंट क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन हमने दिखाया कि ए बी और बी सी इक्वल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, दिस वन दिस एंगल्स आर, बताइए फटाफट से कौन सा एंगल है। पी बी ए इज इक्वल टू एंगल आर बी सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीजिए स्टूडेंट। ओके, तो कौन सा रूल? साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल क्या हो गया? यस, तो ट्राइंगल पी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर बी सी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। स्टूडेंट नंबर वन रूल, पहला ये, जैसे आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया बहुत सारी चीजें इजी हो गई। कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे दिस वन, क्या एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गया? यहीं पर लिख देते, यस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, बताइए क्यों? बाय सी पी सी डी। स्टूडेंट सी पी सी डी से ट्राइंगल क्या हो गए, सॉरी ट्राइंगल जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल वन एंगल टू के, क्या हो गया? इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। अब देखिए एंगल वन और एंगल टू अगर इक्वल हो गए तो एंगल वन और एंगल टू कौन से एंगल है? देखिए यस अल्टरनेट, इन दोनों लाइन के बीच में कौन से एंगल आ रहे हैं? अल्टरनेट। सो लिखेंगे व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या होती है? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हो जाती है। कौन सी लाइन पैरेलल होगी? पी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। अब पी ए बोलो या सी आर बोलो एक ही बात है, पी ए सॉरी पी ए बोलो या पी क्यू बोलो, यहाँ पे सी आर है तो पी ए बोल रहे हैं या पी क्यू बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। नंबर वन स्टूडेंट, हमने यहां देखा कि ये पी क्यू और सी आर पैरेलल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए पैरेलल तो हो गई, अब साइड इक्वल भी तो चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, क्या हम बोल सकते हैं पी ए इज इक्वल टू सी आर बाय सी पी सी पी? देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो पी ए और सी आर भी क्या इक्वल है, बट ये है नंबर टू, बट पी ए इज इक्वल टू ए क्यू बिकॉज क्यू ए इज ए मिड पॉइंट, लीजिए स्टूडेंट ए मिड पॉइंट भी था तो पी ए और ये इसके इक्वल हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, इट मीन्स ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। देखते जाइए फटाफट से, पी ए इज इक्वल टू सी आर, पी ए इज इक्वल टू ए क्यू, इट मीन्स ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी आर इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्यू और ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू सी आर, सेम थिंग, ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब हम स्टूडेंट हमने क्या दिखा दिया, हमने बता दिया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल टू दिस। नंबर फोर्थ, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, देखिए पैरेलल भी होगी लाइन और इक्वल भी होगी, इट मीन्स दैट ए सी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। रीजन बताइए स्टूडेंट, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल और पैरेलल अगर हो जाते तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम बन गया आपका आंसर आ गया। कैसे स्टूडेंट? देखिए जैसे पैरेललोग्राम बन गया तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ए सी इज पैरेलल टू क्यू आर, और ये भी लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। आगे बढ़ते हैं, ए सी लिखे या ए बी लिखे पैरेलल में कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर, आपका फर्स्ट हैंस प्रूव्ड हो गया है, हैंस प्रूव्ड। देखिए ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर क्योंकि ए सी लिखी है पैरेलल लाइन में, ए बी लिखी है बी सी लिखी है, एक ही बात है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, अब ए बी देखिए ए सी यहाँ पे देखिए क्यू आर का क्या हाफ है, मैं दोनों साइड में हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। स्टूडेंट बताइए ए सी का हाफ क्या है? ए बी, क्यों हुआ? इज हाफ ऑफ क्यू आर, कोई बताएगा क्यों हुआ? यस ए सी का हाफ ए बी क्यों हुआ? बिकॉज बी इज अ मिड पॉइंट, बी मिड पॉइंट है, कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया था। हैंस स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट क्या देखा कि अगर किसी ट्राइंगल में दो आपको मिड पॉइंट दिए उससे आपने लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन की तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड की क्या होगी?
पैरेलल, और थर्ड साइड की ही क्या होगी, हाफ भी होगी। तो देखिए इस प्रकार से ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम्स में, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिए और इसका यूज भी बहुत अच्छा है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जिसको कहते हैं कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। आइए कन्वर्स और सेम उसके जैसे है, स्टेटमेंट में थोड़ा अंतर है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है सेम पी क्यू आर, ऐसा करते हैं नेम चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार पी क्यू आर लिया, इस बार ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी लीजिए, क्या बोला है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी एक साइड का मिड पॉइंट बोला। फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड पॉइंट, तो क्या गिवन आपको, इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। और एक और चीज देखिए, एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, अनदर साइड, एक और साइड के क्या है पैरेलल, ये मिड पॉइंट, ये जो लाइन है ये क्या है, इस लाइन के क्या है, इस बार मिड पैरेलल दे रखी है पी, फॉर एग्जांपल दिस इज क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज गिवन, इस बार ये आपको पैरेलल है पहले से। आगे बढ़ते क्या प्रूव करना है आपको, ये बताना है कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है क्यू इज ऑल्सो मिड पॉइंट, आपको ये बताना है कि क्यू भी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। अगर ऐसा कभी होता है तो उसने बोला है कि ये क्यू को भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे हम, इस बार कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, प्रोड्यूस पी क्यू टू आर सच दैट, पी क्यू को आर तक प्रोड्यूस करो सच दैट सी आर इज पैरेलल टू पी बी। लीजिए स्टूडेंट करते हैं इस बार भी कंस्ट्रक्शन, ये आर तक बढ़ाइए, इस प्रकार से बढ़ाइए कि ये जो सी आर है और ये इस बार क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो उन दोनों क्वेश्चंस में क्या अंतर है, वहां पे हम पैरेललोग्राम दिखाते हैं, यहां पे पैरेललोग्राम लेते हुए चलेंगे, देखो बिल्कुल रिवर्स चलेगा। कैसे, हम लिखते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी बिकॉज गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, एंड पी बी, पी बी इज पैरेलल टू आर सी बाय कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस पी आर सी बी इज अ पैरेललोग्राम, कोई बताएगा क्यों, इफ क्या, कितने पे, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब दो पेयर क्या होते हैं अपोजिट साइड के, पैरेलल हो जाता है, क्या बन जाता है वो, पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम हो गया तो स्टूडेंट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देखिए क्या लिख सकते हैं, PB is equal to RC, opposite sides are equal of parallelogram PRCB, number one लिख देते हैं, ठीक है, ये इसके क्या हो गया, equal, उसी प्रकार ये दोनों भी आपस में equal, क्यों है equal, because PB is equal to AB, because P is a midpoint, P पहले से midpoint दे रखा है, किसका, AB का, so student from first and second क्या हो, देखिए ये इसके इक्वल, ये पहले से इसके इक्वल, इट मींस एपी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे देखिए, तो आरसी इज इक्वल टू एपी लिख देंगे, आरसी किसके इक्वल है, एपी के इक्वल है नंबर थर्ड, ये इसके इक्वल हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये फिर पैरेललोग्राम में आते हैं, पैरेललोग्राम अगर है तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन और ये लाइन क्या है, वापस से देखिए, ए बी इज पैरेलल टू आर सी बिकॉज पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन है पैरेलल तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, विच वन, दिस एंड दिस, देखिए बताइए, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नंबर फोर। आइए स्टूडेंट खत्म हो गई कहानी, अब इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, स्टार्ट करते हैं, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू फ्रॉम फोर्थ, पहले हम प्रूफ कर चुके हैं अल्टरनेटिव एंगल, पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू सी आर फ्रॉम, देखिए स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड, हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं, और ये दोनों एंगल क्या है,
अल्टरनेट सॉरी ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट देखिए साइड एंगल एन एंगल 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 साइड, तो ट्राइंगल का कैसे कॉन्ग्रुएंट, ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू पी, सो सी क्यू CQR by angle angle side, triangle AQP और triangle CQR कैसे हो, angle angle side से क्या हो गए, congruent हो, congruent जैसे हो गए, तो AQ is equal to QC by CPCT, अगर AQ is equal to QC हो गया तो क्या हम बोल सकते हैं, Q is a midpoint of AC, hence prove। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल रिवर्स तरीके से जा रहा है, पैलोग्राम लिया, पैलोग्राम से साइड इक्वल दिखाई, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखाया, फिर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किया, मिड पॉइंट में क्या करते थे, उल्टा चलते थे पूरा का पूरा प्रोसेस। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए, इनके इन दोनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम पक्का आपके कोर्स में पूछी जाती है, इसलिए इन दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे से कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड है। तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।